नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और न्यूज़लाइन में आपका स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे न्यूज़लाइन में संसद में हो रहे हंगामे को लेकर के। दरअसल उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की वजह से विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। संसद में बजट सत्र का दूसरा फेज जैसे ही शुरू हुआ, विपक्षी पार्टियों ने, खास करके कांग्रेस ने, हंगामा शुरू किया और कहा कि उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है उस पर चर्चा की जाए। तो सत्ता पक्ष की तरफ से यह दलील पेश की गई कि चर्चा हो नहीं सकती चूंकि मामला अदालत में है। तो दोनों तरफ से जोरदार हंगामा हुआ। लोकसभा की अगर बात की जाए तो कांग्रेस सांसद धरने पर बैठ गए, वहीं राज्यसभा में कई बार राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा विपक्षी पार्टियों के हंगामे की वजह से, खास करके कांग्रेस के हंगामे की वजह से। और कांग्रेस ये मांग करती रही कि सदन में चर्चा होनी चाहिए राष्ट्रपति शासन को लेकर के। तो क्या यह माना जाए कि एक बार फिर सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी? इसी पर हम चर्चा करेंगे न्यूज़लाइन में। तो इस बार फिर हंगामा, लगातार पिछले कई सत्रों में हंगामा हुआ और सत्र यूं ही बेकार गया, कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और जनता की गाढ़ी कमाई का नुकसान हुआ। एक बार फिर जब दूसरा फेज शुरू हुआ बजट सत्र का, तो ये पहले ही से उम्मीद, बल्कि अगर आशंका कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पैसे की कमाई, पैसा इसमें बर्बाद होता है, तो आशंका ही कहना सही होगा कि आशंका जताई जाने लगी थी कि सदन की कार्यवाही बाधित होगी और ऐसा ही हुआ। चूंकि विपक्ष इस बात की मांग पे अड़ा रहा कि उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है उस पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि और भी दूसरे मुद्दे थे जिसे छूने की कोशिश की गई, जैसे सूखा बड़ा मुद्दा है, उसे भी छूने की कोशिश की गई, लेकिन विपक्ष इस पे अड़ा रहा, खास करके कांग्रेस। हालांकि इससे पहले, यानी सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले, सुमित्रा महाजन जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, लेकिन वो बेनतीजा रहा, चूंकि कई विपक्षी पार्टियों ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को लेकर के चर्चा की मांग की थी। अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में भी जोरदार हंगामा हुआ और कई बार राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। तो क्या फिर वही आशंका जो पिछले सत्रों में देखने को मिल रहा था, यानी कार्यवाही स्थगित होगी, पैसों की बर्बादी होगी और जनता ठगा हुआ खुद को महसूस करेगी? इसी पे हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन इससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। संसद में सोमवार को बजट सत्र के दूसरे पार्ट का आगाज हुआ। इस बजट सत्र में संसद के दोनों सत्रों में उत्तराखंड के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। इसमें कांग्रेस को लेफ्ट, जेडीयू और दूसरे विपक्षी दलों का भी साथ मिला। विपक्ष ने दोनों सत्रों में केंद्र सरकार को घेरा और जमकर नारेबाजी की। ये मामला यहीं शांत नहीं हुआ। दरअसल राज्यसभा में कांग्रेस ने पोस्टर भी लहराए, ऐसे में राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ी। जबकि राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद ने सदन में सबसे पहले उत्तराखंड पर चर्चा कराए जाने की मांग की। भारत के इतिहास में हमारे साथी कहेंगे कि बहुत दफा राष्ट्रपति रूल देश में लगा है। हाँ, लगा है, लेकिन इस तरीके से, इस क्रूड तरीके से नहीं लगा। राष्ट्रपति शासन लगा है देश, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए भी कोई कायदा कानून होता। लेकिन बगैर कायदे कानून, बगैर जजों की परवाह किए हुए, सिंगल जज की जजमेंट की परवाह किए हुए, डबल बेंच की जो जजमेंट है उसकी परवाह किए हुए, मैं बधाई देता हूं उस डबल बेंच के जजेस को कि जिनके गट्स हैं, जो फाइट कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने। आज भी इस तरह का जो वातावरण आज यहाँ है, उस वातावरण में भी वो गट्स दिखा रहे हैं। उधर गुलाम नबी आजाद के बयान पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कोर्ट में चल रहे मामले पर बहस नहीं कराई जा सकती। उन्होंने कहा कि विपक्ष मोदी सरकार को अच्छा काम करते देखना नहीं चाहती। अगर बात की जाए देश के प्रधानमंत्री की, तो सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की थी। इस सत्र का जो पहला खंड था वो बहुत ही प्रोडक्टिव रहा। सभी दलों ने मिलकर के संसद को बहुत ही सुचारू ढंग से चलाने का प्रयास किया और काफी महत्वपूर्ण फैसले भी हुए और उसका आनंद सभी दलों के सांसदों के चेहरे पर महसूस हो रहा था। इस बार भी
उसी उमंग उत्साह के साथ, लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं के साथ मुक्त चर्चा करते हुए सत्र को आगे बढ़ाएंगे और अच्छे फैसले। सदन को इस तरह बाधित कर पार्टियों को भले ही फायदा हो या ना हो, लेकिन आम जनता को नुकसान जरूर हो रहा है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि संसद की कार्यवाही आखिर कब तक हंगामे की भेंट चढ़ती रहेगी। चैनल वन के लिए सीमा कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये उम्मीद जाहिर की थी कि विपक्ष की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा और कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होगी और कई ऐसे अहम बिल हैं जिसे पास कराना भी आवश्यक है, हालांकि उसमें जीएसटी बिल भी शामिल हैं। लेकिन ये उम्मीद शायद पूरी होती नहीं दिखाई दी पहले दिन, क्योंकि विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। कई मुद्दों को लेकर के हंगामा हुआ, लेकिन सबसे ज्वलंत मुद्दा था राष्ट्रपति शासन, यानी उत्तराखंड में जो केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है उसी को लेकर के विपक्ष ने, खास करके कांग्रेस ने, जोरदार हंगामा किया और कांग्रेस ने मांग की कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से यह दलील पेश की गई कि इस पर चर्चा नहीं हो सकती चूंकि अदालत में यह मामला है। सुमित्रा महाजन ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, लेकिन वो भी बेनतीजा रहा। उसकी भी वजह यही बताई जा रही कि वहां भी जो सर्वदलीय बैठक में विपक्षी पार्टियां थी, उन्होंने मांग की थी कि उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो एक तरफ सत्ता पक्ष का अपना पक्ष और एक तरफ विपक्ष का अपना पक्ष। विपक्ष राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए इस पर चर्चा करने का मांग करता रहा विपक्ष। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष अपना पक्ष पेश करते हुए ये कहता रहा कि ये मामला न्यायालय में है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं की जा सकती है। तो कुल मिलाकर के सदन में काफी हंगामा रहा, खास करके राज्यसभा में चूंकि सत्ता पक्ष अल्पमत में है इसलिए वहां कई बार सदन की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी और वहां एक तरह से विपक्ष ने सरकार को पूरी तरह से घेरने की कोशिश की और कहा जा रहा है कि कुछ हद तक कामयाबी भी मिली विपक्ष को। इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ और इसी को आगे बढ़ाएंगे अपने मेहमानों के साथ। अभी इस वक्त जो हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान हैं वो हैं दयाराम त्यागी, जो कांग्रेस के नेता हैं, और दयाराम त्यागी का हम स्वागत करना चाहेंगे। दयाराम त्यागी, आपका स्वागत है। इसके अलावा जो बीजेपी के नेता आएंगे उनका भी हम स्वागत करेंगे, उनसे भी सवाल करेंगे। तो हम चर्चा की शुरुआत दयाराम त्यागी से ही करते हैं और उन्हीं का पक्ष जानते हैं। दयाराम त्यागी, आप विपक्ष में हैं, आपका पक्ष क्लियर है कि आप चाहते हैं कि उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष का भी पक्ष क्लियर है कि मामला अदालत में है तो इस पर चर्चा कैसे हो सकती है सदन में, तो फिर ये हंगामा क्यों और ये मांग क्यों? देखिए, जहां तक अदालत की बात है ये सबको मालूम है और आपने ये देखा होगा जिस टाइम पे नैनीताल हाईकोर्ट में जब ये केस चल रहा था, एक तरफ जो पक्ष जो सत्ता में है, एक तरफ तो ये दलील देता है कि कोर्ट में विचाराधीन मामला है। उसी जब नैनीताल हाई कोर्ट के अंदर आपने देखा होगा जब ये विचाराधीन था मामला, जब ये दलीलें चल रही थी, तो उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े बड़े शीर्ष मतलब लीडर, मतलब चाहे उसमें विजयवर्गीय हों जो महासचिव हैं, चाहे उसमें वेंकैया नायडू हों, चाहे उसमें और कितने भी हैं, देखिए हर एक आदमी के हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। अरे भाई, आपने राष्ट्रपति शासन का लागू कर दिया, आपने जो के जनता के उससे चुनी हुई सरकार आपने उसको खंडित कर दिया, आपने उसको मतलब सरकार को गिरा दिया और न्यायालय में एक मामला चल रहा है तो आप न्यायालय का आदेश तो आने दीजिए, उनका जो फैसला है न्यायालय का वो तो आने दीजिए। उससे दो दिन पहले तक, एक दिन पहले तक, यहाँ तक कि अगर जिस दिन ये फैसला आया है उस दिन की शाम तक भी ये कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, तो ये लोकतंत्र को कहाँ मान रहे, ना तो ये लोकतंत्र को मान रहे हैं, ना ये जुडिशियल को मान रहे हैं, ये मान किसको रहे हैं? जी दयाराम त्यागी, इसी न्यायालय के फैसले का इंतजार आप क्यों नहीं करते? 27 तारीख को सुनवाई होनी है, 27 तारीख तक आप इंतजार करें, फिर देखें क्या होता है। आपने आज ही से हंगामा शुरू कर दिया। देखिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ, न्यायालय में एक मामला अपना विचाराधीन है और उसमें जो न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय में अब ये केस पेंडिंग है, वो तो जो अपना फैसला सुनाएगी वो सुनाएगी, लेकिन अगर इसके अंदर अगर जो संसद जो पार्लियामेंट है जो सर्वप्रिय है, आप अगर उसके अंदर जब पार्लियामेंटिक चल रही है और आपके जो दूसरे नंबर के जो लीडर हैं अरुण जेटली जी, उनका आप आज बयान पढ़ करके देख लीजिए, वो कल तक ये कहते थे हम इसको बहस के लिए तैयार हैं,
तो आज ऐसी क्या मतलब वो आगे के जो ये बहस से भाग रहे हैं, इनको इनको अगर इन्होंने जो प्रेसिडेंट रूल लागू करा है, अगर ये अगर देखिए पहली बात तो अगर ये बहस करा लेते तो उसमें मतलब क्या आफत आ जाएगी। अगर ये बहस करा लेते हैं, सारा विपक्ष जिस चीज के ऊपर अड़ा हुआ है कि इस बहस इस पे एक बहस हो जाए, एक चर्चा हो जाए, तो उसमें मैं नहीं समझता कि जो सरकार चला रही है उसको क्या आपत्ति है। और उसके नतीजे में मतलब ये सरकार कह रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि सुचारू रूप से संसद चले, कौन नहीं चाहता, विपक्ष से तो चाहता है कि सुचारू रूप से चले। ये एक उसी का हिस्सा है कि जो आपने लोकतंत्र की हत्या करी है, आपने जो प्रेसिडेंट लागू करा है, और जिसके ऊपर आपने ये देखा होगा कि इस 68 साल के इतिहास के अंदर जब से ये देश आजाद हुआ है, 356 तो पहले भी कितनी बार लगी है, और जो भी गवर्नमेंट आई है सबने लगाई है, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, लेकिन उसका एक अपना कारण, वो भी कोर्ट में गए। ऐसा नहीं है कि ये कोर्ट में पहली बार एक मामला गया है, पहले भी कितनी बार कोर्ट में मामला गया है, लेकिन सरकार के खिलाफ इतनी सख्त टिप्पणी आज तक के इतिहास के 68 साल के अंदर ऐसी टिप्पणी किसी ने नहीं करी होगी सरकार के खिलाफ। मेरा तो ये मानना है सरकार में अगर थोड़ी सी नैतिकता है तो देखिए सरकार का इसका एक बड़प्पन, मैं तो ये कहूंगा जो विपक्ष जितना बैठा हुआ है उसका मैं बड़प्पन कहूंगा कि वो प्रधान, देखिए प्रधानमंत्री जी का फैसला था, एक सामूहिक एक मंत्रिमंडल का ये फैसला था वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने का। और अगर डबल बेंच ने जो वहां पे जजेस बैठे हुए हैं उन्होंने निष्पक्ष एक ऐसी ऐसी टिप्पणी करी है, मैं तो ये कहता हूं ये विपक्ष कितना सहयोग कर रहा है सरकार को, तो प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा नहीं मांग रहे, चर्चा की बात कर रहा है। त्यागी वो तो हाई कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन अब मामला सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने तारीख भी मुकर्रर कर दी है, तो थोड़ा सा सब्र तो होना ही चाहिए ना। देखिए मैंने बताया ना कि अगर देखिए ऐसा कोई हमारे कानून के हमारे संविधान के अंदर नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला है और हम उसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर बहस नहीं कर सकते, ऐसा कोई संविधान है कि हम उसके पार्लियामेंट के अंदर बहस नहीं कर सकते, उसमें चर्चा करने में क्या, बहस करने में उसमें क्या दिक्कत है, व्यवस्था की बात है। ठीक है सुप्रीम कोर्ट में मामला है इस बात से आप भी इनकार नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में फैसला आएगा इस बात से आप भी इनकार नहीं कर रहे हैं, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पे चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। देखिए जहां तक मुद्दों की बात है, मुद्दे तो बहुत है, ये सबको मालूम है, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो पार्लियामेंट मेंबर है, जो जनता के चुने प्रतिनिधि वहां पे बैठे हुए हैं, ये उनको भी मालूम है। लेकिन ये एक माहौल बनाना, एक पार्लियामेंट को चलाना, ये एक सरकार की जिम्मेदारी है, विपक्ष की तो भाई है जिम्मेदारी, लेकिन उसके साथ साथ जो सरकार में चला रही है जो उसकी ये उसका ही एक जिम्मेवारी बनती है। आप मुझे एक बात ये बता दीजिए, अगर ये एक लोकतंत्र की अगर हत्या नहीं होती, ये देखिए बर्बादी कौन कर रहा है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि ये जो जनता की गाड़ी कमाई जो आज ये बड़ी बड़ी दुहाई दे रहे हैं, सरकार भी ये दुहाई दे रही है कि, और आप भी कह रहे हैं कि जनता की जो गाड़ी कमाई है वो ये पानी में बह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं अगर इसका जिम्मेदार है तो वो मोदी सरकार है, अगर ये उत्तराखंड के अंदर जो चुनी हुई सरकार है लोकतंत्र का अगर हत्या नहीं करते तो आज ये नौबत नहीं आती, पार्लियामेंट सुचारू रूप से चलती, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है। अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो देखिए ये सबको मालूम है सूखा आजकल सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है ना, और इससे ऊपर अगर आप बात करेंगे विपक्ष ने इतने मतलब जीवित मतलब मुद्दे उठाए हैं, पब्लिक हित में उठाए हैं, चाहे वो किसानों का मामला हो चाहे कोई और मामला हो, आज तक जितने भी कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पूरा विपक्ष मुद्दों को उठाता रहा है, और अभी भी ये पार्लियामेंट में ये जीएसटी बिल पर चर्चा होती और होती, लेकिन सवाल ये है कि ये सारी चीज को दरकिनार करते हुए, मैं ये कह रहा हूं मैं भी इस बात को कहता हूं जो कांग्रेस की डिमांड है, जो पूरे विपक्ष की एक मतलब मांग है कि ये जो इन्होंने स्टेप उठाया अगर ये अपने आप में सही अगर है तो उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए, चर्चा उसके ऊपर होनी चाहिए ताकि ये जो जनता ये जो देश ये जो 1.25 करोड़ जो बार बार हमारे मोदी जी कहते हैं कि 1.25 करोड़ की जो बात करें 1.25 करोड़ जो जनता 1.25 करोड़ की जो जनता है उसको ये पता होना चाहिए कि जिसको हमने अपना कीमती वोट दे करके जिनको सरकार चलाने के लिए और जिनको काम करने के लिए जो ये बड़े बड़े वादे करके गए, आप ये बात देख लीजिए कि एक पार्लियामेंट ना चलाने का मैं सबसे बड़ा कारण कहता हूं ये जो राष्ट्रपति शासन वहां पे लगा हुआ है वो तो है ही है जो लोकतंत्र की हत्या करी हुई है, लेकिन जो और मुद्दे हैं आप विदेश नीति पे चले जाइए, आप
आप किस किस चीज को लेंगे? आप विदेश नीति के अंदर कश्मीर से लगा करके, पाकिस्तान से लगा करके, चाइना से लगा करके, विदेश सचिव पाकिस्तान के आ रहे हैं, यहाँ बात होगी, द्विपक्षीय बात होगी, चलिए वो अलग मुद्दा है, लेकिन कभी कभी तो ये कहते हैं हम ऐसे मतलब बच्चों की तरह रूठ के बैठ जाते हैं कि हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम सदन के अंदर ही रहे, सदन की कार्यवाही पे हम बात करें, सारी चीज देखिए सारी चीज उसी से जुड़ी हुई है। अगर आप ये कहेंगे उसके ऊपर चर्चा ना करें, सारी चीज उसी से जुड़ी हुई है। मेरा कहने का अभिप्राय जो है, जो मोदी सरकार दो साल पहले सत्ता में आके बैठी, जो बड़े बड़े वादे करे थे, आज तक किसी भी इनके मंत्री ने, यहाँ तक के प्रधानमंत्री जी ने, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, आज तक कभी भी इस बात के ऊपर फोकस किया हुआ है? आज तक कभी भी इस बात के है कि जो मैंने वादे करे थे उस पर चर्चा करी जाए, मैंने कितने वादे पूरे कर दिए हैं? ये सरप उनका ध्यान बांटने के लिए, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे एजुकेशन का मुद्दा हो, चाहे विदेश नीति का मुद्दा हो, हर मामले में ये गवर्नमेंट फेलियर रही है, और उसी को एक मतलब डाइवर्ट करने के लिए आपको अगर ये लगता है कि सरकार नाकाम रही है तो आपके पास मौके हैं, आप सदन की कार्यवाही चलने दें और वहां सरकार को घेरने की कोशिश करनी चाहिए और करें। आप अगर हंगामा करेंगे, कार्यवाही बाधित होगा, तो जाहिर सी बात है इसका नुकसान तो जनता को उठाना पड़ता है, इसका खमियाजा जनता को उठाना पड़ता है, तो जनता क्यों नुकसान उठाए? आप सदन की कार्यवाही चलने दें, सुचारू रूप से चलने दें, हंगामा करने से कोई रिजल्ट थोड़ी ही आउट होगा। आप घेरे सरकार को वहां सदन की कार्यवाही, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, सूखे का मुद्दा है, हालांकि छूने की कोशिश की है आपने, यानी विपक्षी पार्टियों ने, खासकर के कांग्रेस ने भी छूने की कोशिश की, लेकिन इसके अलावा महंगाई है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, बहुत सारी चीजें हैं, तमाम मुद्दों पर आप चर्चा करें। सरकार ने तो हमेशा कहा है कि चर्चा करने के लिए तैयार है। रही बात उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की, तो सरकार का यह मत है, सरकार का यह पक्ष है कि चूंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है तो थोड़ा सा इंतजार कर लें, 27 है तारीख का इंतजार कर लें, आज 25 है, 26 यानी परसों की बात है, थोड़ा सा वहां सब्र दिखा लें, धैर्य दिखा लें, और दूसरे मुद्दे पर बात करें आप। दयाराम त्यागी, देखिए मैं आपको जो बताऊं, मैं आपको बताता हूं, आप जिस चीज को कह रहे हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बातें कही थी कि जो जनता की गाड़ी कमाई, ठीक है ना, और सुचारू रूप से पार्लियामेंट को चलने दें। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ फैज साहब कि एक ये एक परिचर्चा करना, चर्चा करना एक चीज के ऊपर, चाहे वो सूखे का मामला है, चाहे वो उत्तराखंड का मामला है। मैं आपको ये मैं अपने ये एक कहना चाहता हूँ कि ये भी एक पार्लियामेंट चलाने का एक हिस्सा है। देखिए आप किसी भी चीज़ पे बात करेंगे तो उस पर चर्चा होती है, नहीं होती है? आप चाहे सूखे का मुद्दा ले लें, किसानों का ले लें, आप और किसी चीज़ का मुद्दा ले लें, तो चर्चा वो एक पार्लियामेंट उसके एक सदन का वो हिस्सा ही तो है। तो ये जो विपक्ष मांग कर रहा है कि आपने जो ये का जो लोकतंत्र की हत्या करी है, आप शुरुआत इस चीज से कर लीजिए। अगर वो अगर देखिए मंत्रिमंडल का एक फैसला है, ये मंत्रिमंडल ने एक उसको राष्ट्रपति शासन मतलब लगा करके और उसकी फाइल राष्ट्रपति जी के पास भेजी, तो एक सामूहिक फैसला है। तो उसमें जब सामूहिक फैसला है, गलत और सही जो भी है वो तो अब उच्च न्यायालय देखेगा, सर्वोच्च न्यायालय जो बैठा है वो देखेगा, लेकिन ये एक सदन का हिस्सा है और उसी सदन के एक हिस्से के तहत इनको चर्चा करानी चाहिए। अगर उसी बात से शुरुआत कर ले तो क्या है, मैं ये कह चर्चा पे जो इनका अपना 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 वो है, अपनी बात है, ये उसको रखे और जो विपक्ष है वो अपनी बात रखे, ताकि ये जो 125 करोड़ की जनता है वो भी तो देखे इस चीज को। नहीं, अगर पार्लियामेंट के अंदर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चर्चा ना करें या सरकार को चर्चा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जैसा कि आपसे कहा भी जा रहा है कि आपको एक दो दिन धैर्य रखना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आना चाहिए और आपको इंतजार करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, और भी ज्वलंत मुद्दे हैं, कई ऐसे बिल्स हैं जो पास कराने हैं, लोकसभा में तकरीबन 11 बिल्स हैं, राज्यसभा में तकरीबन 13 बिल्स हैं जो पास कराने हैं, तो अगर आप सहयोग नहीं करेंगे, आप रचनात्मक तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये कैसे मुमकिन होगा? और जाहिर सी बात है इससे जनता का हित जुड़ा हुआ है। देखिए अभी आप जनता की हित की जो बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की विशेष करके हम जो बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर सदन को बाधित आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ये तो एक जो सरकार चला रही है ये उसकी एक नाकामी है जो ये सदन बाधित हो रही है, लेकिन यही चीज नहीं, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी। जब आप याद करें, जब आपकी सरकार हुआ करती थी, ठीक है, माफी की बात सुनेंगे, आप ही को बोलना है, इससे पहले जब आपकी सरकार हुआ करती थी, चाहे यूपीए 1 की बात करें या यूपीए 2 की बात करें, तो इसी तरह से अगर विपक्ष की तरफ से हंगामा होता था तब भी तो आप यही बात कहते थे कि सदन की कार्यवाही चलने दें, आप अपील करते थे, हालांकि वो कार्यवाही वहां भी बाधित होती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ठीक है यही चीज रिवर्स कर गया है,
तो जब उस वक्त आपको लगता था कि सदन की कार्यवाही चलनी चाहिए, तभी मामला तो सुलझेंगे, तभी समस्याओं का समाधान होगा, तभी समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ पे चर्चा होगी, तो अब क्यों नहीं? देखिए, मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपको आपको मैं बोल रहा हूँ अपनी बात कि आप जो ये बात कह रहे हैं कि जो जो जनता की गाड़ी कमाई है उसका नुकसान हो रहा है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, इसी चीज से पीड़ित जो अलोकतांत्रिक एक इन्होंने स्टेप उठाया एक उत्तराखंड के अंदर, यही चीज वहां भी लागू होती है। आप ये देख लीजिए, क्या वहां की जनता पीड़ित नहीं है? आप चाहे वहां पे ये अर्धगुम का वहां पे मेला चला, वो कितना बाधित हुआ, वहां से सरकार को कितना नुकसान हुआ, उत्तराखंड को, उत्तराखंड की जो चार धाम यात्रा चल रही है वो इफेक्ट हो रही है उसके ऊपर, और जो बहुत मुद्दे हैं जिसके ऊपर जनता पे छोड़ दें, वो जनता तय करेगी, चुनाव जब होंगे तो सब क्लियर हो जाएंगे, तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन राजनाथ सिंह ने लोकसभा में क्या कहा? राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और कांग्रेस का आंतरिक मामला है, कांग्रेस के ही तो विधायकों ने बगावत की है, कोई दूसरे विधायकों ने तो बगावत की नहीं है। आप उसको कांग्रेस का मामला है ना, आप उसको अगर अंदरूनी मामला अगर हमारे राजनाथ जी कहते हैं, जो गृहमंत्री है हमारे देश के, या हमारे प्रधानमंत्री भी अगर इस चीज को कहे कि अंदरूनी मामला है, ये जो और भी लीडर हैं, नहीं ये तो हर कोई कह रहा है आपको कि आपका आंतरिक मामला है, आखिर कांग्रेस के ही विधायक थे ना ये जिन्होंने बगावत करी है। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ ना कि वो अंदरूनी मामला रह कहाँ गया, जब ये उन नौ बागियों के को आप क्या समझ रहे हैं कि बिना खरीद फरोख्त के हो गया? ये सतपाल महाराज जी जो कांग्रेस छोड़ करके जो उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर गए हैं, जो ये सारा खेल एक वहां पे, लेकिन उनकी पत्नी आप ही ये कांग्रेस पार्टी में संभल के नहीं खेला जा रहा है। सतपाल महाराज की पत्नी तो आपके कांग्रेस में विधायक रही है। नहीं, मैं जो जी बिल्कुल, लेकिन 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 दयाराम त्यागी, जरा आप कभी गौर किया आपने कि जो आपका मुख्यमंत्री रहा हो, यानी उत्तराखंड का मुख्यमंत्री रहा हो, जो कैबिनेट मिनिस्टर रहा हो, मैं हरक सिंह रावत की बात कर रहा हूँ, मैं विजय बहुगुणा की बात कर रहा हूँ, इन लोगों ने बगावत की है, तो कमियां आपके अंदर थी ना, मौका आपने दिया ना, अगर आपने इल्जाम लगाया है केंद्र सरकार पर या दूसरी विरोधी पार्टियों पर, तो यह मौका कहां से मिला, किसने दिया यह मौका? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो आप कांग्रेस की तरफ या अंदरूनी मामले की बात कर रहे हो, मेरा मैं आपको यह जवाब दे रहा हूं कि अंदरूनी मामला एक कांग्रेस का अगर है तब तो हम इसको मानते, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ खड़ी रहती और जो भी हो रहा उसका एक देखते एक, 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 एक उस पर पहुंचते, किसी मुकाम पे पहुंचते कि ये क्या होगा। इन्होंने तो जैसे ही वहां पर आपको वो होगा जिस टाइम पे वो पास हुआ था विधानसभा के अंदर पास हुआ था, और उससे पहले वित्त विधेयक पे जो चर्चा हुई थी, उससे पहले ठीक है, वित्त विधेयक पे चर्चा जब हुई, लेकिन एक बात बताइए, ए के बाद बी होता है, बी के बाद ए नहीं होता है, तो ए अगर आपका गड़बड़ है तो पहले ए ठीक करेंगे तभी तो बी की बात करेंगे, लेकिन आपका ए गड़बड़ है, आपके विधायक आपसे बगावत कर रहे हैं, आप दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं फैसला आपसे वही कह रहा हूँ कि जो भ्रष्टाचार ये भारतीय जनता पार्टी वाले हरीश रावत सरकार को कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये इससे ज्यादा जीता जागदा उदाहरण क्या होगा कि आप ये बिना धनबल के बिना लालच के नहीं हो गए यहाँ पे, जो ये इतना बड़ा जो मजाक बनाया उत्तराखंड ने भारतीय जनता पार्टी ने, और नहीं तो ऐसे कभी आपने देखा आज तक कि आप जैसे ही मतलब विधानसभा मतलब ये कार्रवाई हुई थी और जिस टाइम पे इन्होंने ये बगावत करी थी, और उसी टाइम आधे घंटे के अंदर उसी बस के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनके साथ बैठे थे, और उसके बाद में आपने आज तक देखा होगा कि एक प्रधानमंत्री को, एक भारतीय जनता पार्टी को, अमित शाह जी को विजय भगोड़ा जी निर्देश दे रहे हैं कि हमें हाईकोर्ट, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएं, तो वो अंदरूनी मामला कहां रहेगा? लेकिन जी दयाराम त्यागी, जरा ये हमें समझाएं ताकि हमारे दर्शक भी समझ सकें कि अगर आपके विधायक बगावत ही नहीं करते तो ये नौबत कैसे आती? ये बड़ा अहम मुद्दा है, बड़ा अहम सवाल है, चूंकि उन्होंने पहले बगावत की तभी किसी को मौका मिला, जैसा कि आपने इल्जाम लगाया, अगर ठीक है आपके इल्जाम को दुरुस्त भी समझा जाए तो ये मौका तब मिला जब आपके विधायकों ने बगावत की है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद आएंगे तो इसका जवाब आपसे तलाशेंगे जरूर। आ रहे
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न जो हो रही है उसी के संदर्भ में। दरअसल जैसे ही बजट सत्र का सेकंड फेज शुरू हुआ, विपक्षी पार्टियों ने हंगामा शुरू कर दिया, खास करके कांग्रेस ने हंगामा किया और कांग्रेस ने यह मांग की सरकार से कि उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है उस पर चर्चा होनी चाहिए पहले, तभी सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाएगी। हमेशा हर सत्र में कोई ना कोई ऐसा मुद्दा जरूर सामने आ जाता है जो दिक्कतें लेकर के आता है और फिर वो दिक्कत खत्म भी नहीं होता, सत्र खत्म जरूर हो जाता है। जनता की गाढ़ी कमाई भी चली जाती है इसमें, जनता खुद को ठगी हुई महसूस करती है, यानी कि टुकटुकी लगाए जनता देखती रह जाती है। हालांकि जनता का आखिरी फैसला कैसा होता है हर किसी को पता है, खास करके राजनेताओं को तो पता है ही, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है, फिलहाल जो परिस्थिति है वो ये है कि लोकसभा और राज्यसभा में काफी हंगामा हुआ। कांग्रेस के सांसद तो धरने पर भी बैठ गए और ये मांग करने लगे कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरी तरफ राज्यसभा में भी जो विपक्ष के नेता हैं गुलाम नबी आजाद, उन्होंने भी ये मांग की कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। फिर उपनेता आनंद शर्मा ने इस मांग को आगे बढ़ाया, लेकिन वहां अरुण जेटली जो सदन के नेता हैं उन्होंने इस बात को नकार दिया। इसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं उन्होंने इस बात को नकार दिया और कहा कि यह मामला अदालत में है इसलिए इस पर चर्चा नहीं की जा सकती है। अगर लोकसभा की बात की जाए तो वहां कमान कईयों ने संभाला सत्ता पक्ष की तरफ से, लेकिन राजनाथ सिंह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने उठते हुए ये कहा कि इस पर चर्चा नहीं हो सकती है और इस पर चर्चा इसलिए भी नहीं हो सकती है कि अदालत में यह मामला चल रहा है। हालांकि इससे पहले अपील जरूर की गई थी प्रधानमंत्री की तरफ से भी और सुमित्रा महाजन जो लोकसभा स्पीकर है उन्होंने कोशिश की थी कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको इकट्ठा बैठाया जाए, जो होता है परंपरा रही है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, लेकिन वो भी बेनतीजा ही रहा। राजनाथ सिंह ने यह कहा कि ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, आंतरिक मामला है, इससे बीजेपी का क्या लेना देना है, ये सरकार का क्या लेना देना है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ कांग्रेस नेता दयाराम त्यागी इस वक्त स्टूडियो में है और दयाराम त्यागी से ही सवाल कर रहे हैं लगातार। दयाराम त्यागी, मैंने ब्रेक से पहले जाने से पहले ये कहा था कि अगर आप मजबूत होते, आपकी पार्टी मजबूत होती और आप में टूट फूट नहीं होता तो दूसरों को ये मौका ही नहीं मिलता और शायद वहाँ राष्ट्रपति शासन ही नहीं लागू होता। ये कमी तो आपकी रही, बुनियादी कमी आपकी रही, शुरुआत आपके अंदर से हुई। देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने भी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि इस सरकार को जो एनडीए की गवर्नमेंट अभी जो मोदी जी की सरकार चल रही है, इनको ना देश की जनता से, जो ये 125 करोड़ की जनता की बात कर रहे हैं, और ना इनको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। और जो अभी हम बात कर रहे थे विशेष करके संसद की एक हम बात कर रहे थे, मैं आपको एक बहुत अच्छे तरीके से एक बात बता दूं कि इनके दो साल होने वाले हैं जितने भी पार्लियामेंट सेशन हुए हैं जी, ठीक है ना जी। अभी अभी आपने भी वही बात रखी और मैं भी उसी बात को एक दोहरा देता हूँ कि ये जो असली मुद्दे हैं उन पे तो ये उन मुद्दों पे चर्चा ना हो। जैसे आप एक बात ये लगा ले, अभी पार्लियामेंट चल रहा है, अभी आपने देखा होगा अभी एक बहुत बड़ा इन्होंने एक अमेरिका के साथ में एक समझौता करा है जो 68 साल मतलब अमेरिका को हो गए ये प्रयास करते हुए कि आज तक किसी गवर्नमेंट ने साइन नहीं करा। ये तो हम सदन जी बिल्कुल चलिए ठीक है वो भी है, लेकिन इस मुद्दे को आप सदन में उठाएं ना डाइवर्ट करने के लिए। और मतलब ये जो आज सूखे की स्थिति है, जो किसान आत्महत्या कर रहा है, इसके ऊपर चर्चा ना हो, इस चीज का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जो महंगाई है, जो जिस वादे के साथ में सत्ता में आए थे उस महंगाई पे चर्चा ना हो, तो और जो विदेश नीति है इनकी उस पाकिस्तान के साथ जो विशेष करके चाइना के साथ उसके ऊपर नीति ना हो। देखिए एक तरफ तो ये पालने में झुलाते हैं चाइना को मतलब ला करके, और जिस मजबूत आदरणीय जो मतलब कंधार मतलब जो मतलब मामला हुआ था उसके बाद में कितनी हत्याएं उसने कराई हैं, और चाइना ने जिनको हम उनको यहाँ पालने में अहमदाबाद बुलाकर पालने में इसको उनको झुलवा रहे थे, उन्होंने एक वीडियो लगा दी कि उसको आतंकवादी घोषित करने के लिए सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी। नहीं, 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 सदन की मैं ये कह रहा हूँ इन मुद्दों पर चर्चा ना हो, इसीलिए ये सिर्फ जो है ना 125 करोड़ की जनता
जनता की जो बात कर रहे हैं उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कि असली मुद्दों पे चर्चा जीएसटी के ऊपर चर्चा ना हो, इसलिए तो ये कैसे समझें कि सत्ता पक्ष चाह रहा है कि उस पर चर्चा नहीं हो। विपक्ष की भी यही मंशा। चलिए ठीक है दयाराम त्यागी, आपसे बहुत सारे सवाल किए, आपके पास फिर हम आएंगे, लेकिन अपने दर्शकों को ये बताते चले कि इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता अशोक गोयल जुड़ गए हैं और ये हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अशोक गोयल जो बीजेपी के नेता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है अशोक गोयल। तो हम सीधे रुख करते हैं अशोक गोयल की तरफ। अशोक गोयल, ये जो सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई और ये बजट सत्र का सेकंड फेज है, इसमें विपक्ष ने मांग की कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं चर्चा हो? लोकसभा या राज्यसभा सदन जी लोकतंत्र का मंदिर है जी, प्रत्येक विषय पर चर्चा होनी चाहिए जी और खुलकर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा से ही कोई चीज का हल निकलता है जी, लेकिन हंगामा खड़ा करके जी कुछ ऐसे कारणों के कारण जिसमें आप लोग जो है कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं, दोषी हैं, कहीं वो मुद्दे सामने ना आए, किस तरीके से सदन को चलने नहीं दिया जाए, किस तरीके से विकास के जो बिल रुके हैं इन पर चर्चा ना हो सके, एक हताश कुटिल और एक ऐसी राजनीति जो अनैतिक राजनीति कहा जा सकता है उसका प्रतिफल है ये संसद में बार बार किसी न किसी इश्यू को लेके बिला वजह हंगामा करना। आज का जो ये एपिसोड है ये पूरी तरीके से स्पष्ट है जी। सरकार नहीं चाहती कि किस तरीके से गृह मंत्री जो तत्कालीन थे पी चिदम्बरम, उन्होंने किस तरीके से बयान दिए दो बार दो अलग अलग तरह के, ये कांग्रेस वाले नहीं चाहते। सॉरी मुझे बोलने देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन नहीं चाहते। लेकिन दूसरी बात बराबर सवाल था कि जो मुद्दा है ही नहीं हमारा, क्यों नहीं होनी चाहिए? जो मुद्दा हमारा है ही नहीं, जिसमें हमारा कोई लेना नहीं देना नहीं, कांग्रेस का अंदरूनी खेल है उन्हीं के कुछ लोग। सवाल राष्ट्रपति शासन को है, कांग्रेस का चाहे जो सवाल राष्ट्रपति शासन का है, राष्ट्रपति शासन के जो लागू हुआ राष्ट्रपति शासन के वहाँ हालात पैदा हुए, ठीक है, वहाँ जो है हॉस्टेडिंग का खेल चल रहा था, वहाँ जो एक तरीके से प्रयास चल रहा था, किस तरीके से जो है उन्हीं के लोग जान पूछ के, जिन्होंने एक व्यक्ति भी यदि मांग करे सदन में कि इस विनियोग बिल पर चर्चा हो कि नहीं, के बाद में मत विभाजन होना चाहिए, लेकिन उसको वहां के स्पीकर ने होने नहीं दिया, चर्चा में रखा जाए ना सामने, ये सारी चीजें आए। लेकिन अभी 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला लंबित है, ठीक है, उस फैसले लंबित होने की स्थिति में सदन में चर्चा होना उसका जो है कोई औचित्य किसी भी प्रकार से प्रतीत नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में सरकार गई है और सरकार जो है उसको जाने के बाद, चूंकि वहां से उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया उसके विरुद्ध जाना सरकार की मजबूरी थी जी। और सरकार गई है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, स्टेटस को का आदेश दिया है जी। और स्टेटस को के आदेश के बाद 27 तारीख चर्चा के लिए तय की है जी। जब 27 तारीख चर्चा के लिए तय हुई है तो उस चर्चा को 27 से पहले करने का संसद में, संसद के या कहीं भी जो है कोर्ट के बाहर, वो औचित्य जरा भी नहीं है। और उसको ये कहना क्यों नहीं है ये तो कोई जवाब नहीं हो। नहीं नहीं, तो यही तो समझना चाहिए ना कि आखिर क्यों नहीं है। और जो लोग हंगामा खड़े करने वाले, उनको कहा गया कि भी नियमों के अंतर्गत आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद है? केवल हम हताश राजनीति को अपनी को कहीं ना कहीं, तो अशोक गोयल आप चर्चा के लिए तैयार हो जाए, आप चर्चा करें और विपक्ष को घेरें, आप विपक्ष पे जो विपक्ष ने इल्जाम आप पे लगाया है आप जवाब तो दे ही सकते हैं ना चर्चा जब होगी तो। जवाब दिया ही जा रहा है, सदन तो चल भी रहा है, ऐसा नहीं है, सदन उसके बाद भी चल रहा है। कुछ लोग अपनी मंशा जो है इस तरह की हो गई है उनकी, उनके नेताओं के पास कहीं ना कहीं सोच का अभाव हो गया है कि देश को कैसे जो है आगे बढ़ने दिया जाए, कहीं ना कहीं रास्ते में अड़चन पैदा करना इस तरह की बात हो गई है, झूठे आरोप लगाना उनका खेल हो गया है, तो ये तो उसका कोई जवाब जो है यही कार्यवाही जब देखिए, जहां हमारा अधिकार है वहां हमारे कर्तव्य भी हैं जी। बिल्कुल कर्तव्य है, कर्तव्य है, इससे इनकार नहीं किया सकता। इसी चीज को आप सदन में तो रख सकते हैं ना, विपक्ष को तो बता सकते हैं ना कि हमने राष्ट्रपति शासन वहां लगाया तो क्यों लगाया, परिस्थिति कैसी थी, इस पर चर्चा अगर होगी तभी तो आप बात कहेंगे। वो सर्वोच्च न्यायालय में अपना मामला है, ठीक है, वो सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होगी, 27 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा,
खेल देखा जा रहा है, कोई ना कोई मुद्दा लाके, कोई ना कोई विषय लाके। हर बार कांग्रेस एक नई नौटंकी कर रही है और इस बार भी वही नौटंकी की है। एक चीज वहां आई, 88 बार जो सरकारें गिराने की दोषी कांग्रेस सरकार है, वो एक तरीके से गलत ढंग से, जिनका हमेशा आदत रही है, चौधरी चरण सिंह जी की सरकार बनवाई, मुरारजी भाई की सरकार गिरवा के, और उसके बाद में एक दिन भी संसद का मुंह नहीं देखने दिया। चंद्रशेखर की सरकार सिर्फ इसलिए गिरा दी कि एक पुलिस वाला जो है कोई कहीं बताया हरियाणा में कहीं किसी के बाहर जासूसी कर रहा था। ऐसा कांग्रेस का हमेशा का जो रिकॉर्ड रहा है, और इस पर जब चर्चा होगी सार्वजनिक होगी पूरी तरीके से होगी, हम चर्चा से भागने वाले डरने वाले नहीं। फिलहाल तो चर्चा नहीं हो रही जी, ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ बैठ के मैं स्टूडियो में तय करूं कि चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही है। फिलहाल चर्चा ये कि नियमों के अंतर्गत नहीं है तो नहीं हो रही। आपके नेता ने तो कह दिया कि नहीं, हम नहीं करेंगे इस पर चर्चा। राजनाथ सिंह ने कह दिया कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, जो भी मामला राष्ट्रपति शासन, तुम्हारा अंदरूनी मामला, राष्ट्रपति शासन अंदरूनी नहीं है, तुम्हारा अंदरूनी मामला है, तुम्हारे ऐसी स्थिति, राष्ट्रपति शासन अंदरूनी मामला। हम कहने नहीं गए थे कि 9 लोग जो है वहां जाकर जो ये कह दे कि हम जो है विभाजन जवाब ले, मत विभाजन चाहते हैं। जयराम त्यागी से ही जवाब लेते हैं जी। हमारे जो बीजेपी के मित्र हैं वो भी कह रहे थे, मैं आपको सिलसिलेवार इनकी बात का जवाब दे देता हूँ अगर धैर्य के साथ ये। हाँ बिल्कुल, आप बताइए। सबसे पहले इन्होंने हमारे जो गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम जी, सबसे पहले उसका नाम लिया। हल छोटी सी बात का जवाब दे दूंगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक उसके अंदर पूरी एक जुडिशियली प्रक्रिया मतलब उसकी हुई है, तब वो उसको सजा मिली है या क्या हुआ है। चलिए ठीक है, वो हम मैं आज बड़े ध्यान से सुन रहा था। एक बंजारा जी जो एनकाउंटर में इसमें शामिल थे, जिनको सजा भी हुई, अभी वो ट्रायल पे है, बेसिस पे है अभी, उन्होंने एक बहुत बड़ी एक बात कही, कह रहे जो मैं कहता हूं वो सच कहता हूं। उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आपने जेल में रह करके एक लेटर लिखा कि अमित शाह जी ने मुझे इस्तेमाल करा, मोदी जी ने मुझे इस्तेमाल करा है, तो उन्होंने कहा हाँ मैंने लिखा है और मुझे करा है। आज भी वो उस बातों कह रहे हैं, और ये हमारे मित्र जो है ये आज इस तरीके की बात दिक्कत कर रहे, इस बात की बात ये तमाम चीजें बाहर निकल के आ रही हैं। 356 राष्ट्रपति शासन जो भी सरकार आई है, चाहे वो वाजपेयी की जी हो, चाहे वो इसलिए तो इन्होंने कहा कि 88 बार आपने यूज किया, मतलब वो आज से बहुत बार पहले लगा हुआ है। लेकिन 68 साल के इतिहास के अंदर, देश आजादी के इतिहास के अंदर पहली बार डबल बेंच की ने ऐसी मतलब टिप्पणी करी है जो आज से पहले आपने सुने नहीं सुनी होगी। ऐसी ऐसी टिप्पणी करी है, मैंने भी थोड़ी देर पहले भी कहा था, अभी भी ये कह रहा हूं, अगर नैतिकता जरा सी भी है, अगर ये बात कर रहे हैं तो इनको तो मैं तो ये कह रहा हूं मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्रपति और राहुल जी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। मोदी जी का वो तो बन जाएगी, राहुल जी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, वो जनता बनाएगी, वो जनता तो बनाएगी, जनता देख रही है उसकी मंदबुद्धि को। वो वादे आज सामने आ रहे हैं, सारे सामने अभी आने वाले हैं, अभी सारे केस खुलने वाले हैं, चाहे इसी से डर के हंगामा हो रहा है कि संसद चलने मत दो, सरकार को मजबूर कर दो। आई थी उस टाइम पे आज कम से कम 35 रुपए पेट्रोल का भाव होना चाहिए, सरकार को मजबूर कर दो। तो दयाराम त्यागी दाल की बात कर रहे हो, रोज दयाराम त्यागी दाल पर आते हैं, दाल और प्याज आपने खाई है, एक मोदी जी के काम का नहीं है। आप उस पे आज देश को आर्थिक बर्बादी की है, अच्छा काम करा रहे हैं, देश को आर्थिक बर्बादी को मनमोहन सिंह की 10 साल की निकम्मी सरकार ने, इतिहास के अंदर निकम्मी सरकार ने भी अमेरिका के बाहर भी रख दिया आपने देश को। आप गलत बोलते कर लिया, आप गलत बोलते हैं, हमारी देश की सुरक्षा के लिए ठीक है, आप हमारी हवाई पट्टी इस्तेमाल करो, देश की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ सकते हैं नहीं है, और यही चीज का डायवर्ट कर रहे हैं। राजी जी ये कोई शोर मचाने का मतलब नहीं है, लेकिन मैंने आपके पास बड़े ध्यान से सुनिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, कोई जवाब नहीं है आपके पास, आपके सवाल के अलावा कोई जवाब ही नहीं है। अगर जिम्मेदारी है सबसे पहले वो सरकार की है, उसके बाद विपक्ष की है, आप एक नई नई एक वर्दा ड्रामे करेंगे, नई नई एक चीज करेंगे तो कैसे संसद चलेगी आप? संसद पार्लियामेंट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में कौन नहीं चलने था, चर्चा करिए आप, संसद है किस लिए? अगर आप सच्चे हैं, 125 करोड़ की जनता उनको बताइए ना कि हमने राष्ट्रपति शासन ठीक लगाया है, आप क्यों शर्मा रहे हैं, आप क्यों बात करने में हिचकिचा रहे हैं, आप क्यों आगे नहीं आते, आप
क्यों इधर उधर की बात कर रहे हैं आपके, हम चर्चा करना नहीं चाहते सर्वोच्च न्यायालय में, ये संविधान में हमारा अधिकार है कि पार्लियामेंट अगर चलेगी तो चर्चा होगी, आप कौन मना करते हैं, आप क्यों नहीं उसमें चर्चा में भाग रहे हैं, आप चर्चा कर लो बैठ करके। अगर आपने, आप हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हो, आपने ये बताया जो अच्छी भली सरकार चल रही है अगर उन विधायकों को तोड़ने का काम किसी ने करा तो वो बिना पैसे के हो गया, वो बिना धन बल के हो गया, तो किसने करा, ये जनता देख रही है, 125 करोड़ की जनता देख रही है। आप तो आप लोकतंत्र में विश्वास करते ही नहीं हो। ये जो सरकार पहली सरकार 68 साल के अंदर आई है जो लोकतंत्र में विश्वास करते नहीं, ये तो शाम दाम दंड भेद हर चीज को स्थिर करने की योजना है, और जो ये वादे कर करके आए हैं सिर्फ उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कि जो 125 करोड़ की जनता है वो इस मोदी सरकार से वो ये सवाल ना पूछे कि आपने जो वादे करे थे उसको पूरे क्यों नहीं कराए, आप बच्चों की बड़ा अजीब मामला लगता है। जयराम त्यागी अशोक गोयल, बड़ा अजीब मामला लगता है, दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं और सदन की कार्यवाही चाहिए, सदन की कार्यवाही नहीं चल रही है, तो जिम्मेदार कौन है, जी जिम्मेदार कौन है, विपक्ष सरकार पे इल्जाम लगाए, सत्ता पक्ष विपक्ष पे इल्जाम लगाए, जनता ठगी हुई महसूस करे, खुद को ठगा हुआ महसूस करे जनता, खुद को पैसों की बर्बादी हो, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? अशोक गोयल, सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, आपका फ्लोर मैनेजमेंट कैसा है कि कार्यवाही बार बार बाधित होती है और आप, जी बिल्कुल फ्लोर मैनेजमेंट, जी बिल्कुल फ्लोर मैनेजमेंट की बात करेंगे हम, की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपना आज संबोधन शुरू करते ही सारी बात स्पष्ट रूप से रखी और बहुत तरीके से कहा कि सदन सब लोग चर्चा करें और आपस में हर चीज़ चलनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग बाधित करने के आदि हो गए। मैंने आपको पहले भी कहा है कि वो 2 साल से जब से मोदी जी आए हैं हताश हैं, उनके जो गद्दी उनके हाथ से चली है। यूपीए 2 का जमाना भी अशोक गोयल आपको याद होगा, कितनी कार्यवाही चली थी सदन के लिए आपको मालूम है, हमने जो भी कार्यवाही बाधित की जनता के मुद्दों पर की और जमीन पर की, घोटालों पर की, 1,25,000 करोड़ के घोटालों पर की, हमने इस तरह की बातें नहीं की, हम फर्जी बातों में नहीं है, हमारा ये कहना है, जवाब देंगे, जवाब हम देंगे, जवाब देंगे भी, हमारा ये मानना है कि आप लोगों के विधायक और विधायक भी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री स्तर के विधायक, वो लोग सदन में मांग करते हैं कि आप जो है इस पर चर्चा कराइए, चर्चा कराने के बाद सुन लीजिए, चर्चा कराने के बाद वोटिंग कराइए, वोटिंग जो होती है उसको जो है करने नहीं दिया जाता है, जबकि कानूनन एक विधायक भी अगर मांग करेगा सत्र के अंदर तो चर्चा का प्रॉपर वोटिंग होगी, लेकिन ये तय कौन करेगा, स्पीकर कौन करेगा, स्पीकर को अधिकार नहीं है कि वहां जो वोटिंग ना कराए, और विनियोग बिल पास ना हो उसको को पास, आपके पास बहुमत नहीं, आप नीचे रह गए, 9 लोग जो है वो बाहर आ गए, उन लोगों को बाहर, लेकिन अशोक गोयल अगर नहीं आ पाए ठीक है, आप इस सवाल अशोक गोयल ठीक है मान लिया जाए, 28 तारीख को जा करके हरीश रावत को बहुमत साबित करना था, आप एक दिन इंतजार क्यों नहीं कर सकते, विधायकों की सदस्यता खत्म कर रहे हैं, 27 तारीख को आपने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, उससे पहले एक दिन आप इंतजार कर लेते, नहीं उससे पहले 9 लोग, मतलब अच्छा इसलिए उन लोगों के सपोर्ट में बोले नहीं दे रहे हैं, जी हाँ बोलिए बोलिए, लेकिन मेरा काम है सवाल करना, मैं तो करूंगा आप बोलिए, जी मैं यही कह रहा हूँ की 28 को उन्हें जाना था फ्लोर पे, उन्हें बहुमत साबित करना था, 27 तारीख को आप राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं, आपकी दलील है कि चूंकि 9 लोगों को अयोग्य घोषित किया गया था या निलंबित किया गया था, इसलिए इसलिए आपने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, आप 9 लोगों को अयोग्य घोषित कर रहे हैं, नंबर एक बात, नंबर दो बात, आपके खिलाफ जो है एक चैनल द्वारा बाकायदा आपका दिखाया गया किस तरीके से आप जो है खरीद फरोख्त के काम में, उसको आपने मान लिया कि सब खरीद फरोख्त के काम में, चलिए ठीक है, लेकिन आपने मान लिया कि ये सब है, अल्पमत में रहने के बाद भी आप गलत तरीके से फ्लोर पर जाना चाह रहे हैं, आप मतलब चैनल के माध्यम से कुछ दिखा दिया जाए उसे सत्य मान लेंगे आप, ऐसा कोई बात नहीं है, सबूत के साथ होगा तो सभी चीज माननी पड़ेगी, फिर आखिर उसका सत्यापन होगा कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन होगा या नहीं, देखिए ये तो कुतर्क है, एक चीज अगर सामने आ रही है, हाँ। और उसके आधार पर ये देखा जा रहा है कि वहाँ किस तरह का खेल चल रहा है, किस तरीके तो फिर से तो न्याय व्यवस्था बेकार है ना, तो ठीक है जो चैनल पर डिबेट हो, डिस्कशन हो, जो चीज जाए वही उसी पर फैसला ले, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन चैनल पर कुछ तय होने वाला नहीं है, तो फिर आप ही कह रहे हैं, आप अपनी राय कुछ भी चैनल पर बताएं, मैं कुछ भी बताऊं, भाई साहब कुछ भी बताएं, चैनल पर कुछ तय होने वाला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जैसी एक बड़ी अदालत में मामला पेंडिंग है,
जो सच है, जो जैसा है वो सामने आएगा, निर्णय होगा, निर्णय होने के बाद जो भी होगा उसमें सरकार उसी हिसाब से अपना तय करेगी। चलिए, क्लियर कट सीन है दयाराम त्यागी कि सुप्रीम कोर्ट में 27 तारीख यानी परसों ही की बात है, परसों उसको फैसला आ जाएगा, आ जाने दीजिए, हंगामा किस लिए? देखिए, मैं जो हमारे मित्र हैं, मैं इनका जवाब दूंगा जी। एक सबसे पहली बात तो जो ये खरीद प्रोक्त की बात कर रहे हैं, जो जो हरीश रावत जी की चल उसकी बात कर रहे हैं, मैं नाम ले देता हूँ कि वो आपने इनको जवाब भी दे दिया, लेकिन आपने उसी चैनल पर देखा होगा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जो पैसे लेते हुए सरेआम टीवी पर दिखाए गए कि हाँ पैसे ले उठा करके और अपनी दराज के अंदर रख करके, आपने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। आप जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं वो भी कोर्ट ने संज्ञान किया। और सुनिए मेरी बात, मैं आपके चैनल के सबने देखा, मैं आपकी परंपरा देखे, सुन लीजिए आप, फिर पेट में दर्द मत करिए, सुन लीजिए जवाब, आपने जो बात करी थी, मैं आपके चैनल के माध्यम से, नेशनल चैनल है, मैं आपको ये चैलेंज दे रहा हूँ, आप जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, देखिए जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, जो भी भ्रष्टाचार के आरोप सत्ता में आने से पहले, सुनिए मेरी बात, जो बीजेपी ने लगाए उसके ऊपर अगर एक्शन लिया आज तक, वो यूपीए गवर्नमेंट ने लिया, नंबर एक। नंबर दो, दो साल ये सत्ता में बैठे हुए हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इन चीजों को, जिस मुद्दे पे आइए, बाकी का जनता तो 125 करोड़, लेकिन आप ही नहीं आने देते, 125 करोड़ जनता जवाब देगी, सरकार का तो कई, लेकिन जो पार्टी के साथ जुड़ा, सुनिए मेरी बात, देखिए काले धन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए काले धन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो जनता जवाब देगी, मैं महंगाई की बात नहीं कर रहा, वो जनता जवाब देगी, लेकिन ये मसला जो पार्टी का इन्होंने उठाया है, मैं उसका आपके चैनल के माध्यम से ये चैलेंज कर रहा हूँ कि सरकार में बैठे हुए 2 साल हो गए, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, अगर कांग्रेस के किसी भी सदस्य ने अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो आपकी सरकार बैठी है, आप कार्रवाई तो करने की बहुत दूर की बात है, भ्रष्टाचार की बात कहाँ करी है? नहीं, इन्होंने बात करी है ना, नहीं तो यूपीए की बात हुई थी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार में बैठी है, एक तो प्रूफ करके दिखाएं, ये एक भी एक अपने के भ्रष्टाचार के अंदर ये लिप्त है, और नहीं तो मैं ये बताऊं, इनको माफी मांगनी चाहिए जो जनता के सामने झूठ बोला है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है यूपीए गवर्नमेंट जो है, इनको माफी मांगनी चाहिए मोदी सरकार को, निगोशिएट करके दिखाएं जो वादे करके आए। लेकिन अशोक, माफ कीजिएगा, दयाराम त्यागी, ये सब चीजें अपनी जगह है, सब कुछ ठीक है, 88 बार खुद अशोक गोयल ने बताया है, तकरीबन 88 बार, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, शायद आंकड़ा गड़बड़ हो जाए, लेकिन सबसे ज्यादा बार कांग्रेस सत्ता में रही है, सबसे ज्यादा बार 356 का इस्तेमाल, लेकिन एक तर्क होता है, कांग्रेस एक तर्क होता था, ऐसी 68 साल कैसे कहे, ऐसी टिप्पणी किसी सरकार के खिलाफ नहीं, सर्वोच्च न्यायालय में भी है ना, वो टिप्पणी बदली नहीं जा सकती, सर्वोच्च न्यायालय ने अगर पलट दिया तो उसको आप हवाला नहीं दे सकते, आपको ना? आपको ध्यान होगा, ये तो इस सिस्टम को मानना, तो ये न्यायपालिका को मानते हैं ना, जो जनता जनार्दन है उसको मानते हैं। मैंने आपके चैनल पे कहा था, जब पहला सिंगल बेंच का वो आया था, डिसीजन आया था, मैं कहा ये भी सरमाथे पे, आगे डबल बेंच का जो आएगा वो भी सरमाथे पे, और मैं आज भी कह रहा हूं सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला आएगा वो सरमाथे पे, लेकिन ये हमारे संविधान के अंदर है, अगर इन्होंने जो 27 तारीख को जो राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा उसमें चर्चा में क्या दिक्कत है, क्यों पैसे धन की बर्बादी कर रहे हैं, जनता की जो गाड़ी कमाई है क्यों भाग रहे, क्यों उसको जाया कर रहे हैं, उसमें बैठ कर उसके साथ में जो गरीब किसान मर रहा है, सूखा पड़ रहा है, उसके ऊपर भी चर्चा कर लीजिए, उसके बाद में जीएसटी की भी चर्चा कर लीजिए, क्या दिक्कत है, जो है वाड्रा को दे दी गई, अरे फिर आपने ईमानदारी की बात अगर दे दिखा है, अगर आप मोदी सरकार दे दिखा है तो मजबूर है, चलिए ठीक है, चलिए हमारे पास वक्त नहीं है, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, वक्त नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है, दयाराम त्यागी आपको भी रोकना चाहेंगे, अशोक गोयल आपको भी रोकना चाहेंगे, चूंकि हमारे पास वक्त नहीं है, हम आप लोग से माफी चाहेंगे, और चूंकि वक्त की कमी है इसलिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन आप लोगों ने डिबेट में शामिल होकर के अपना पक्ष रखा, दयाराम त्यागी इसके लिए आपका शुक्रिया, अशोक गोयल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आगे आगे होता है क्या, सत्र की शुरुआत का पहला दिन है, यानी कि अगर कहा जाए बजट सत्र के सेकंड फेज के शुरुआत का पहला दिन है, वो हंगामेदार रहा, और आगे क्या होता है इस पे भी पूरे देश की निगाह टिकी हुई है। न्यूज़लाइन में इतना ही, नमस्कार।